हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पराठे की रेसिपी। तो ये है मूंग दाल का पराठा और दूसरा रहेगा आलू का पराठा। मैं तीन तरह के पराठे आपको दिखाऊंगी, एकदम पतला सा प्यारी सी स्टफिंग, बहुत ही टेस्टी सा पराठा जिसे मैंने सर्व किया मिर्ची के अचार। इसकी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अचार की। और तीसरा रहेगा मेरा फेवरेट जो है हरी लहसुन और मेथी का पराठा, बहुत ही टेस्टी जिसे मैंने दही के साथ सर्व किया है, ये मेरा फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें गूंदना है आटा पराठे के लिए। तो तीनों पराठों के लिए सेम आटा रहेगा। या 2 कप मैंने आटा लिया है जिसमें मैं मिर्ची डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हो, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, बट आटे में नमक ज़रूर डालिए। स्टफिंग में अलग से रहता है बट इसमें भी ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठे का। तो नमक मिर्च हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ 1 चम्मच छोटा भर के। घी डाल के हमें इससे मिक्स करना है, घी से बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं पराठे और टेस्टी भी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर डालें घी को। अगर शुद्ध घी नहीं डालना चाह रहे हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी 1 चम्मच भर के आप डाल सकते हो। तो इन सबको करना है मिक्स और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका गूंदना है आटा। तो जल्दी से आटा गूंद लेते हैं और फिर सबसे पहले मैं बनाऊंगी लहसुन मेथी का पराठा। अभी ठंड आ गई है तो हरी लहसुन ईजिली मिल जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें हरी लहसुन का पराठा। सिर्फ हरी लहसुन का भी बना सकते हैं और मेथी का भी बना सकते हैं, या मैं हरी लहसुन और मेथी दोनों मिक्स का पराठा बनाऊंगी। तो मेरा आटा गूंदा हो चुका है, तो 10 मिनट हम इसको ढक के थोड़ा रख देते हैं, रेस्ट करने देते हैं आटे को, और फिर तब तक हम जब तक हरी लहसुन काट लेते हैं धो के। तो जिस तरह आप हरी प्याज लेते हो उसी तरह हरी लहसुन भी मिलती है मार्केट में। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए, लीजिए और बना के देखिए। तो ये हरी लहसुन है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है ऊपर से और इसको मैंने धो भी दिया है, धोकर और फिर काटिए। इसको हम बारीक बारीक कैंची की हेल्प से काट लेंगे। मेरा ये बहुत फेवरेट है क्योंकि ठंड में ही हरी लहसुन मिलती है और बहुत टेस्टी लगती है इसके पराठे। आप सिर्फ हरी लहसुन का पराठा बनाइए बहुत अच्छा लगता है, हरी मेथी का सिर्फ बनाइए तो भी बहुत अच्छा लगता है, और मिक्स बनाइए तो और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बना रही हूँ मिक्स, हरी लहसुन और मेथी दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो जल्दी से हरी लहसुन को काट देते हैं कैंची से, फिर मेथी भी धो के कट करके दोनों को कर देते हैं मिक्स। और इन हरी लहसुन और मेथी में हमें कोई मसाला नहीं डालना है, नमक भी नहीं डालना है। अगर हम नमक डालेंगे तो थोड़ा पानी छोड़ने लग जाएंगे। लहसुन काटना हो चुका है, इसमें ऐड कर लेती हूँ मैं मेथी। तो यहाँ मेथी लहसुन दोनों मैंने ऐड कर लिया है, मेथी को भी बारीक कट कर लिया था मैंने। अब चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आटे को थोड़ा सा मसल देते हैं तेल लगा के। आटे ने रेस्ट कर लिया है 10-15 मिनट, तो अभी जल्दी से मसल के और पराठा बनाना चालू करते हैं। तो मैंने छोटी सी लोई ले ली है पराठे के लिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम थोड़ा सा पहले इसको बेलेंगे और फिर इसमें हम जो हमारी स्टफिंग है हरी लहसुन मेथी की, इसको हम बीच में भरेंगे। तो थोड़ा सा मैं गोल इसको बेल लेती हूँ और फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के लहसुन मेथी की स्टफिंग। सिंपल सी स्टफिंग है, बहुत जल्दी से पराठा ही बन जाता है। थोड़ा सा लगा के यहाँ पे 1 चम्मच जितना भर के और इसको इस तरह बांधेंगे और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और फिर से इसको हम बेलेंगे पराठे को। तो मैं पराठे बहुत ही पतले बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है मेरे हाथ के पराठे, पतले पतले पराठे। तो आप अगर मोटा बनाते हो तो एक बार पतला बनाकर आप देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, और इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें। इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे मेरे यहाँ तो नाश्ते में रोज़ ही बनते हैं पराठे इस तरह पतले पतले, और हम सबको बहुत पसंद है घर पर। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह पतले पतले पराठे बनाना। तो ये मेरा बेलना हो चुका है, इसको फिर हम जल्दी से तवा लगा दिया है मैंने, तवा गर्म करते हैं और पराठा सेकना चालू करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना पतला मस्त बना है, स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकली, अंदर ही लगी हुई है। तो चलिए जल्दी से अब इसको सेक लेते हैं तवे पे। तो मेरा तवा गर्म हो चुका है, इसको हम सेक लेते हैं फटाफट से। जैसे ही थोड़ा सेक जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो पहले अच्छा सेकना है एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर हमें तेल लगाना है। जब लगे कि आधा सिक चुका है पराठा तब हमें तेल लगाना है। ये वाला मैं पर्सनली बोलूँगी आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मेरा फेवरेट पराठा है, मुझे बहुत पसंद है ये पराठा। लहसुन सिर्फ मिलती है ठंड में, तो पूरी ठंड इसका ज़रूर यूज़ करें हरी लहसुन का, बहुत अच्छी लगती है। और काफ़ी सारी रेसिपी हम इससे बना सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं। तो यह मेरा पराठा आधा सिक चुका है, तो मैं लगा रही हूँ ऑयल। ऑयल लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, सूखा सूखा पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही लगाइए पराठे में, पराठे तेल के बगैर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोनों साइड से मैंने लगा लिया है तेल, बढ़िया से सिक रहा है हमारा पराठा और ये पराठा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है पराठा,
चलिए अब दूसरा पराठा बनाते हैं। आलू का पराठा बना रही, तो मैंने 5 आलू जो है बॉयल्ड लिए हैं यहाँ पे। इसमें थोड़े से हरे धनिए डाल देती हूँ, अच्छे लगते हैं हरे धनिए इसमें, और एक छोटा सा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ। अगर आपको लगे कि आलू एकदम गीले गीले से हैं, थोड़े मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है, थोड़ा आपको लगे गीले गीले, तो आप इसमें सूखा आटा भी मिक्स कर सकती हो, मिर्ची स्वादानुसार। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर 1/4 छोटे चम्मच जितना, और थोड़ी सी काली मिर्ची रहेगी, और नमक। नमक तो आपको आलू के जितना ही डालना है, थोड़ा कम ही डालें क्योंकि आटे में भी नमक डला हुआ है, तो थोड़ा सा कम ही डालेंगे हम। थोड़ी सी काली मिर्ची 1/4 छोटे से चम्मच जितनी, अब बस इतना ही सब डालना है और इसको करना है मिक्स। इसमें अब गरम मसाला बिल्कुल मत डालिए, काफ़ी जगह होटल्स वगैरह में गरम मसाला डाला रहता है तो वो खाने में बहुत हैवी लगते हैं पराठे, तो गरम मसाला आप स्किप कीजिए, मत डालिए। तो मेरी स्टफिंग रेडी है, जल्दी से उसी तरह ही जैसे मैंने लहसुन का बनाया था वैसे ही बनाएंगे। इसमें आटे की लोई मैंने थोड़ी छोटी ली है, क्योंकि जैसे आलू का मसाला डालते हैं तो बढ़ जाती है लोई, तो इसलिए थोड़ी सी लोई छोटी लीजिए। मस्त अच्छा खासा मसाला एक बड़ा चम्मच भर के, देखिए आप आलू का मसाला मैं कितना ले रही हूँ। अगर आपको लगे कि आलू चिपचिपा हो रहा है, तो एक मिनट के लिए आप जो आलू रहते हैं बॉयल्ड मैश करके उनको आप माइक्रोवेव कर लीजिए, तो वो चिपचिपाहट निकल जाएगी आलू की, या नहीं तो फिर आप सूखा आटा थोड़ा सा स्टफिंग में मिक्स कर लीजिए तो भी चलेगा, तो स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ईजिली बेल रही हूँ आलू का पराठा। कई बार होता है चिपचिपा रहता है आलू, बेलने में दिक्कत होती है, स्टफिंग बाहर निकल आती है, बट ये मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था इसको एक मिनट के लिए आलू को, तो ये बिल्कुल स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है और बिल्कुल अंदर बिल्कुल चिपकी हुई है। अब देखिए आप कितना मैं पतला बेल रही हूँ आलू का पराठा। आपने कभी खाए इतने पतले आलू के पराठे? नहीं खाए तो प्लीज़ ट्राई करो, मोटे मोटे मत बनाओ, ट्राई करो पतला वाला आलू का पराठा। तो जल्दी से इसको भी सेक लेते हैं तवे पे। ये बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में आलू का पराठा पतला पतला। ढाबे में होटल्स में हमेशा मोटे मोटे मिलते हैं पराठे, आधा ही पराठा खाओ तो पेट भर जाएगा, ये आप तो 2-3-4 खा लेंगे तब जाके आपका पेट भरेगा। ये इतने टेस्टी लगते हैं कि छोड़ने का मन नहीं करता, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे। आप इसे अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, जिसके साथ आपको पसंद हो आप खाइए, बट ज़रूर इस तरह पराठे बनाइए पतले पतले से। सीखना हो चुका है तो जल्दी से लगा देते हैं ऑयल। ऑयल डालने में कोई कंजूसी नहीं, अच्छे से ऑयल लगाइए, सूखे सूखे पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाइए ज़रूर दोनों साइड से। बस ये आलू का पराठा हमारा रेडी है। फिर हम बनाएंगे मूंग का पराठा, जो हरे मूंग होते हैं उनका पराठा हम बनाने वाले हैं। ये पराठा बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, बट ज़रूर इस तरह बनाइए आलू का पराठा, टेस्टी सा और एकदम पतला सा। या मैंने हरे मूंग थोड़े भिगोए हैं, आधा घंटा पहले ही भिगोए थे मैंने, आप चाहे तो ओवरनाइट भिगो दीजिए तो जल्दी से एक ही सीटी में गल जाएंगे। तो यहाँ मुझे 4-5 सीटियाँ लगानी पड़ेंगी, कुकर में मैंने डाल दिया है और पानी कम ही डाला है, जितने में ये गल जाएँ और एकदम सूखे रह जाएँ, तो 5 सीटी मुझे लगानी पड़ी इनको पकाने के लिए, और फिर थोड़ी देर धीमी आँच पर भी मैंने इन्हें रखा था। तो ये देखिए मेरे मूंग बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल चिपचिपे नहीं है, और इसी तरह हमें चाहिए। इसमें थोड़ी सी मैं हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा मसाला रहेगा जिसमें मैं जीरा पाउडर और काली मिर्ची थोड़ा थोड़ा सा डाल दूंगी। तो ये जीरा पाउडर और काली मिर्ची मैं डाल देती हूँ, और नमक मैंने बॉईल करते वक्त थोड़ा सा ऐड कर लिया था मूंग के जितना। बॉईल करते वक्त ही नमक डाले तो अच्छा टेस्ट आएगा मूंग में। चलिए जल्दी से फटाफट लोई ले लिए मैंने, मूंग का पराठा भी बना लेते हैं। सूखा आटा लगाना, प्रोसेस सेम है बेलने की बनाने की, बस स्टफिंग डिफरेंट है। तो आप ज़रूर ये तीनों तरह के पराठे ज़रूर ट्राई करें, नाश्ते में बहुत पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ मूंग, काफ़ी सारे मूंग, और इसको भी उसी तरह बंद करना है जैसे बाकी पराठे बंद कर रहे हैं। आप कई तरह के पराठे बना सकती हो, प्रोसेस सेम रहेगी, आटा सेम रहेगा, बेलने का तरीका सेम रहेगा, बांधने का तरीका सेम रहेगा। आप चाहे गोभी के बनाइए पराठे, मूली के बनाइए, जिसके भी बनाने हो, पालक के भी बनते हैं पराठे। तो जल्दी से इसको भी सेक लेते हैं फटाफट से। बढ़िया बढ़िया पराठा सिक रहा है मेरा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पराठे की रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, आरडी कुकिंग पेज का नाम है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये पराठे की रेसिपी आपको मेरी कैसे लगी। तो जल्दी से ये मैंने सर्व किया है मूंग का पराठा सॉस के साथ,
बहुत ही टेस्टी सा यमी सा पराठा है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। आलू का पराठा मिर्ची के अचार के साथ, तो मिर्ची अचार की भी रेसिपी आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देखिए ज़रूर, मिर्ची के अचार मैंने कैसे बनाई है। और ये रहा मेरा फेवरेट लहसुन मेथी का पराठा, जिसे मैंने सर्व किया है दही के साथ। तो प्लीज़ जल्दी से आप बनाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरह पराठे ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश। वाहेगुरु।